राधे राधे। आप सभी को अपना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जानेंगे जेठ माह में अपना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। जेठ माह में भीषण गर्मी होती है, इस समय सूर्यदेव चरम सीमा पर होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान उन्हें जल चढ़ाने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। धार्मिक दृष्टि से भी इस माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये भगवान विष्णु का प्रिय माह है। इस महीने में उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जेठ माह में माँ गंगा और हनुमान जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। वहीं हर साल जेठ माह के कृष्ण व्रत की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन उपवास रखने से व्रत को अपार धन की प्राप्ति होती है। इसे जल कीड़ा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का मतलब होता है अपार पुण्य। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से व्रत के दुखों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा होती है और कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। आइए युक्ताचार जिसे जानते हैं। अपरा एकादशी की तिथि क्या है और पूजा का शुभ समय। सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। अपरा एकादशी का महत्व शास्त्रों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। वैसे तो एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, परंतु इस एकादशी के दिन माँ भद्रकाली का भी व्रत रखा जाता है, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूतियों ने दूसरे की निंदा पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है एवं परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि होती है। अपना एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। अपरा एकादशी को उपवास करके एवं इसके महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गंगा में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है। बृहस्पति में सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला पुण्य और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने और सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। साथ ही अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का अपार आशीर्वाद भक्त को मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मनुष्य पर बनी रहती है। ये था अपरा एकादशी व्रत का महत्व। आप जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि, डेट और साथ ही पूजा का शुभ समय। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के लिए आवश्यक जेठ कृष्ण एकादशी तिथि 2 जून रविवार को प्रातः 5:04 से शुरू होगी और ये 3 जून सोमवार को 2:41 पर खत्म होगी। उदयातिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को होगा, लेकिन हरिवासर 3 जून को 8:05 पर सूर्योदय के बाद हो रहा है। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ जन के लिए अपरा एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को होगा और वैष्णव जन के लिए अपरा एकादशी का व्रत
3 जून सोमवार को होगा। अब जानते हैं अपरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। गृहस्थजन के लिए मुहूर्त नोट करें। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। इस दिन आप सूर्योदय से लेकर 5:23 से लेकर के 12:12 दोपहर के बीच में अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। ये था गृहस्थजन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त। और आप जानते हैं वैष्णो जी की पूजा का समय। वहीं जो लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय बाद से सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के वामन अवतार को कहते हैं। तो ये थे पूजा के शुभ मुहूर्त। और अब नोट कर लें पारण का शुभ समय। गृहस्थजन के लिए पारण का शुभ समय नोट कर लें। गृहस्थजन अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय है 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर के 8:10 के बीच में। इस समय में आपको पारण करके व्रत पूरा कर लेना चाहिए। वहीं वैष्णोजन व्रत का पारण 4 जून को 5:23 से लेकर के 8:10 के बीच में कर सकते हैं। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत किस तरह करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत की विधि। इसके लिए एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम का धूप, दीप, फल, फूल, तिल आदि से पूजा करना चाहिए और इस पूरे दिन निर्जला उपवास करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो पानी तथा एक समय फल आहार ले सकते हैं। और द्वादशी के दिन यानी कि पारण के दिन भगवान का पुनः पूजन कर कथा का पाठ करना चाहिए और कथा पढ़ने के बाद प्रसाद वितरण करें। ब्राह्मण को भोजन तथा दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और अंत में भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। ये थी अपरा एकादशी व्रत की विधि। अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किस तरह करनी चाहिए। इसके लिए अपरा एकादशी की तिथि पर व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान नारायण या वामन अवतार की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको स्थापित करें और फिर गंगा जल से छिड़काव करें। अपरा एकादशी के दिन घट स्थापना काफ़ी महत्व होता है, इसीलिए धूप दीप करने के बाद घट स्थापना करें। साथ ही सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान नारायण की 600 प्रचार विधि से पूजा अर्चना करें और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद देसी घी के दीपक से भगवान की आरती उतारें और मंत्रों का जाप करें। इसके साथ सायंकाल के समय भगवान नारायण की फिर से पूजा करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए हवन करें। फिर रात्रि के समय भगवान विष्णु का ध्यान व जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मण भोजन कराएं और उसके बाद पारण करें। तो इस विधि से पूजा करनी चाहिए अपरा एकादशी पर। और अब जानते हैं अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा मंत्र। इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम विष्णु नमः, ओम हूँ विष्णु नमः, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये मंत्र थे अपरा एकादशी व्रत पूजा के लिए।
और आप जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के नियम। अपरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी तिथि पर कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इनको करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, तो अपरा एकादशी के दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन दांत करने के लिए टूथब्रश का प्रयोग करें। अगर दातून करते हैं तो आज के दिन दातून का प्रयोग ना करें। इसके पीछे कारण यह है कि दातून के लिए पेट की सबसे नाजुक टहनी को तोड़ना पड़ता है और ऐसा करना प्रकृति को नुकसान पहुंचाना होता है, जिससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। और अपरा एकादशी तिथि को पान खाना वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि पान खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है और आज के दिन त्याग को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन पान सेवन वर्जित है। और एकादशी तिथि के दिन क्रोध ना करें और मन में गलत विचारों को ना आने दें। साथ ही इस दिन चावल खाना भी वर्जित बताया गया है। अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से जातक को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। इसके अलावा एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह के कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही अपरा एकादशी के दिन मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल गंदा होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके साथ ही अपरा एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत नहीं सोचना चाहिए। और अपरा एकादशी तिथि पर जो व्रत नहीं करते हैं वे भी मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। साथ ही कांसे के बर्तन में भोजन करने से बचें और रात को जागरण करना चाहिए इस दिन। लेकिन किसी कारणवश अगर जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो जमीन पर सोएं, बेड पर नहीं। तो ये थे अपरा एकादशी के दिन ना करने वाले कार्य। और अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के दिन किन बातों का ध्यान रखना है। शास्त्रों में बताया गया है एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को पूजा पाठ के साथ साथ भगवद गीता का पाठ भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन गाय और अन्न का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गाय का दान यदि संभव नहीं है तो गौशाला में धन का दान जरूर करें। और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का पालन करें और विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करें। साथ ही किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल अवश्य करें। और एकादशी व्रत के दिन झूठ बोलना, मन में गलत विचार पैदा करना या किसी को धोखा देना इत्यादि पाप की श्रेणी में आता है, इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचें और ईमानदारी से अपना काम करें। अपरा एकादशी व्रत के समय गर्मी अपने चरम पर होती है, इसीलिए इस विशेष दिन पर जल या छाती का दान अवश्य करें। साथ ही किसी सार्वजनिक जगह पर प्याऊ लगवाएं, इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अपरा एकादशी के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है।
सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझकर आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।